दीनबंधु सर छोटू राम की 140वीं जयंती करनाल में धूमधाम से मनाई गई। स्थानीय जाट धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवाओं को महान शख्सियत के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम सर्व समाज के नेता थे, वह सभी को साथ लेकर चलते थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विकास की सबसे मजबूत कड़ी है शिक्षा। ऐसे में दीनबंधु सर छोटू राम ने अनेक शिक्षण संस्थान स्थापित कर समाज को शिक्षित करने की पहल की। उनका मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र उपाय है जो गरीबों को उनके हक दिला सकता है। देखिए, मैं तो बधाई दूंगा कि ऐसा कार्यक्रम आज करनाल के अंदर आयोजित हुआ, जहाँ शिक्षा के स्तर में, खेल के स्तर के अंदर उम्र ना देखते हुए जिन लोगों ने आउटस्टैंडिंग कार्य किया है, आज दीनबंधु सर छोटू राम जी के याद करते हुए उनको सम्मानित करने का काम किया। और उसी को आगे देखते हुए, क्योंकि इस भवन के अंदर बहुत जगह है, मैंने इनसे आग्रह किया कि अगर भवन और सोसाइटी के तमाम सदस्य चाहे, क्योंकि शिक्षा के स्तर के अंदर हमें भी अपने आप को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और करनाल के अंदर आज एक मॉडल लाइब्रेरी की ज़रूरत है। हम देखते हैं बहुत से बच्चे यूपीएससी, मिलिट्री, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, मगर कई बार वो पीछे इसलिए रह जाते हैं कि उनको प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो अगर ये प्रॉपर मॉडल लाइब्रेरी यहाँ बनाना चाहे तो मैं अपनी ओर से पूरा अनुदान देने का काम करूँगा। और साथ में, क्योंकि कई ऐसी हमारी बहनें थी जो रेसलिंग के अंदर, एक परिवार की तो 3 लड़कियाँ थी जो मेडल लेकर आई, अगर यहाँ पर ये कोच हायर करते तो रेसलिंग का मैट की व्यवस्था हम लाएंगे, जिससे ट्रेनिंग व्यवस्था के अंदर भी फायदा। सर, आज सर छोटू राम की जयंती मनाई जा रही है, उसी के साथ अगर बात की तो किसानों ने, किसान यूनियन ने आरटीआई डाली है, उसमें धान घोटाले में कई चीजें ऐसी सामने आई हैं कि आरटी ऐसे हैं जिन्होंने गेहूँ सूरजमुखी के खरीदने की और 5-5 फर्में बनाई और धान की खरीद की। धान की खरीद के अंदर मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास 64,00,000+ मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट, एक बार नहीं 2 बार उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हरियाणा सरकार ने कराई, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो को शेयरर हैं जिनके पास वो स्टोरेज है। और पहली फिजिकल वेरिफिकेशन और दूसरी फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ये चीज़ पता चली कि कई मिलों में स्टॉक की कमी थी, मगर आज वो हालात नहीं है जो 2013-14 में थी, जब हम 70,000 मेट्रिक टन की शॉर्टेज के साथ ईयर ख़त्म किया था। अभी तो ईयर की शुरुआत है, 8 महीने पीडीएस के अंदर यही पैडी बंटना है, उसके बावजूद भी आज हम 1% 1.25% की शॉर्टेज पर हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1% परमिसेबल है। उसके बावजूद भी सरकार ने निर्णय लिया है कि जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा की शॉर्टेज है, उसके ऊपर पेनल्टी क्लॉज भी लगाया जाएगा और उसके ऊपर आगे एक्शन भी लिया जाएगा कि आने वाले समय में ऐसी फर्मों को पैडी प्रोक्योरमेंट पर परमिशन ना दी जाए। और एक सेकेंड, जहाँ पैडी की बात है, विपक्ष को मैं खुली आज आपके सामने बात कहता हूँ कि आप सबूत लेकर आइए, और आपको लगता है कि आज भी किसी मिल के अंदर कमी है, तो हम उस प्रोक्योरमेंट के को शेयरर हैं, हम 2 PV कराकर बैठे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो शायद 3 या 4 फिजिकल वेरिफिकेशन, जब तक हमारा आखिरी दाना पैडी का पीडीएस सिस्टम में ना चला जाए हम दोबारा कराएंगे, हमें ना तो कोई रोक सकता ना। कह रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से चावल आ रहे हैं, टोटल चावल। मैं तो आपके माध्यम से तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ, जो हिम्मत हरियाणा ने दिखाई, आप अपने अपने प्रदेशों में फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का काम करो। आज हम तो शॉर्टेज में नहीं है, और अगर ऐसी कोई धांधली और प्रदेशों में, तो उसकी पूरी तौर पर केंद्र सरकार को भी जाँच करानी। मेरे पास कम से कम 3 तहसीलदार तो रूल 7 रूल 8 के अंदर आज सस्पेंडेड है, एक्साइज टैक्सेशन के अंदर 1 जॉइंट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर, 2 ETO सस्पेंडेड है, और मेरे ऑफिस लेने के बाद ही इंक्वायरीज हुई। अगर कोई भी अनियमितता मेरे महकमे में या किसी और महकमे में आती है, तो हमने उसके ऊपर, इस सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का काम करें, और उसके लिए सबसे पहला कदम हमने रेवेन्यू को सुधारने के लिए बनाया है,
कि 1 मार्च से हर पहले मंगलवार को रेवेन्यू डे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसके अंदर एसडीएम से लेकर कानूगो तक सारे एसडीएम ऑफिस या तहसील में बैठने का काम करेंगे और जो एब्सटेन करेगा उसको फिर रूल 8 के अंडर उसके खिलाफ कार्रवाई हम करने का काम। सर जो सड़कें बनाई गई थी सारी सड़कें टूट गई, जितनी बनाई 15 दिन पहले कोई महीना पहले पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें थी वो टूट चुकी हैं। आप तीनों अलग तो बोल नहीं रहे, एक ही चीज बोल रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ सैंपल पास हो जाते हैं। ऐसी कौन सी सड़क आपके संज्ञान में है जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंदर है, जिसकी या तो उम्र 3 साल है या 5 साल है? आप उसका तथ्य के साथ मेरे को रिपोर्ट ला कर दे दी, मेरे को महकमे से भी तो आप पे विश्वास करूँगा। आप ला कर दो, इंडिपेंडेंट उसकी इंक्वायरी कराएंगे और अगर ऐसी कोई व्यवस्था है जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंदर भी सड़क टूटी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर ये पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, काफ़ी सड़कें अभी बनी है थोड़े दिन पहले। मैं आपको एक चीज़ आपके संज्ञान में लाता हूँ कि 6 क्रम से बड़ी सड़कें पीडब्ल्यूडी जी, 5 क्रम की मार्केटिंग बोर्ड की है, 3 और 4 क्रम की जो सड़कें हैं वो अभी मुख्यमंत्री ने सिरसी में कहा है कि पंचायती राज बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज की सड़कों को भी, शहर की शहरी निकाय की सड़कों को भी पीडब्ल्यूडी में ले लेते हैं। हाँ, एक प्रोजेक्ट जरूर पीडब्ल्यूडी का लंबित था, कुरुक्षेत्र पिपली रोड से लेकर और गेट नंबर 3 यूनिवर्सिटी तक का, उसके अंदर जो ठेकेदार था।